ज्योग्राफी के फंडे अब कभी नहीं आएंगे अंडे। आज का जो सारा टॉपिक है वो है अक्षांश और दिशांत रेखावां। पहली वीडियो विच मैं तुहानू तीन प्रश्न दिए सीगे। पहला प्रश्न सी वो किहड़ी अक्षांश रेखावां हैगियां ने जिहनूं असीं बिंदुआं विच दिखांदे हां। उत्तरी ध्रुव ते दक्षिणी ध्रुव नूं असीं बिंदु नाल दिखांदे हां। दूसरा सवाल सी सब तो वड्डी अक्षांश रेखा किहड़ी सी। सब तो वड्डी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है। और तीसरा सवाल सीगा वो किहड़ी अक्षांश रेखावां ने जिहना तों बाद धरती ते छे महीने दिन अते छे महीने दी रात हुंदा है। वो हैगी आर्कटिक गोला उत्तर विच और दक्षण गोलार्ध विच एंटार्कटिक गोला तों बाद जिहड़ा हिस्सा है उत्ते छे महीने दा दिन अते छे महीने दी रात हुंदी। पिछले टॉपिक विच असीं मुख अक्षांश रेखावां बारे पढ़िया। जे तुसीं नहीं देखिया चैक लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अज का जो विषय आप अक्षांश रेखावां दिशांत रेखावां पढ़ांगे ये रेखावां कल्पित रेखावां ने इमेजिनरी लाइनस ने। धरती के उपर इस तरह की कोई भी लाइन नहीं है। ये लाइन असी इस वास्ते बनाते हाँ ताकि सानू उस जगह का जलवायु दूरी मौसम बारे पता लग सके। तो आओ देखते हाँ अक्षांश और दिशांत रेखावां विच अंतर की। पहला जी जो ये सवाल आएगा एक लाइन लिखने तो बाद उसका चित्र जो है वह जरूर बनाना है। अक्षांश रेखावां वो रेखावां जो पूर्व तो पश्चिम या पश्चिम तो पूर्व बनाई जाती है। देखो आज भूमध्य रेखा होगी ये दिशा पूर्व है ये पश्चिम है। चाहे पश्चिम तो पूर्व या पूर्व तो पश्चिम वो रेखावां कल्पित रेखावां जो पूर्व तो पश्चिम या पश्चिम तो पूर्व वाल बन गए जान उन्होंने असं अक्षांश रेखावां आखते हैं। दूजे पास दिशांत रेखावां और एक कल्पित रेखावां जो उत्तरी ध्रुव अते दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव तो दक्षिणी ध्रुव वाल या उत्तर दिशा तो दक्षिण दिशा या दक्षिण दिशा तो उत्तर वाल बनाई जा रही ने इन्हों बोलते हैं कहते हैं देशांतर रेखावां। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर आकार अक्षांश रेखावां गोलाकार हुई हैं और दिशांतर रेखावां अर्ध गोलाकार हुई हैं। एक छोटी जी एग्जाम्पल दूंगा प्याज का हर घर में हुंदा जो तो परौने होंगे तो प्याज असं कि कट्टी दे गोल इस तरीके यह आकृति है गोल परौने गोल तो होता प्याज तो साड़िया सारिया जो अक्षांश रेखावां होनगियां वो गोलाकार होनगियां। किवें पता लगेगा ग्लोब है जो उत्तरी ध्रुव तो देखांगे या दक्षिणी ध्रुव तो देखांगे सारिया रेखावां सानू गोलाकार दिखाई देगी। सब तो वड्डी जिहड़ी अक्षांश रेखा होएगी वह भूमध्य रेखा होएगी। जिवें जिवें असीं ध्रुवां वल जाई जावांगे यह गोले छोटे बनते जाएंगे। और ध्रुव तुहानूं पता ही है ध्रुव जिहड़ा है रेखा नहीं है बिंदु है। चाहे उत्तरी ध्रुव तो देखो चाहे दक्षिणी ध्रुव तो देखो भूमध्य रेखा सब तो बाहर दिखाई देगी। सब तो वड्डी जिहड़ी रेखा है वह भूमध्य रेखा है। दिशांत रेखावां हुण परौणे नहीं आए हैं और असीं सलाद खाना है तो साडा जो सलाद है वह गोल नहीं होएगा असीं इस आकार विच कटांगे यह है अर्ध गोलाकार। तो सारिया ही रेखावां अर्ध दिशांत रेखावां अर्ध गोलाकार हुई हैं। अर्ध गोलाकार अर्ध गोलाकार और अक्षांश रेखावां गोलाकार। तीसरा लंबाई
अक्षांश रेखावां दी लंबाई एक बराबर नहीं होंदी है। ये बात पिछले पॉइंट देखिया भूमध रेखा सब तो वड्डा गोला, उस तो बाद उस तो छोटा 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 और त्रिभुवन जांदे होंदे एक बिंदु दे रूप च आंदा है। तां इहनां दी लंबाई है समान या एक बराबर नहीं। जे आप गल करिए दिशांतर रेखावां दी, इन्हां सारियां दी ही लंबाई जिहड़ी है वो बराबर हुंदी है। क्यों बराबर हुंदी है? क्योंकि सारियां ही दिशांतर रेखावां उत्तरी ध्रुव तों लैके दक्षिणी ध्रुव तक बनी हुंदियां ने, इन्हां दी लंबाई बराबर हुंदी है। चौथा पॉइंट है इन्हां विच रेखावां दे विच जिहड़ा दूरी है, दो अक्षांश रेखावां दे विच जिहड़ी दूरी है वो समान हुंदी है। अब उस अक्षांश रेखा पढ़ाई ने जिथे मर्जी चले जाएंगे आप, दो अक्षांश रेखावां दे विच जिहड़ी दूरी है वो लगभग बराबर होगी, और दो अक्षांश रेखावां दे विच जिहड़ी दूरी दा जिहड़ा फासला है वो लगभग 111 किलोमीटर का है। जिवें कि रेलवे लाइन दो पटरियां आपस में नहीं मिलदियां, उस प्रकार दो अक्षांश रेखा भी आपस में नहीं मिलती। दिशांतर रेखावां की गल करते हैं, दिशांतर रेखावां जब मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि इन्हां दी जिहड़ी आपस में जिहड़ी दूरी है भूमध रेखा दे इन्हां दे विच आपस में अंतर है वो ज्यादा होगा जिवें जिवें असीं ध्रुवां वल चलांगे, ये जिहड़ा दूरी है घटती जाएगी। भूमध रेखा दे विच अंतर ज्यादा, जिवें जिवें ध्रुवां वल चलांगे अंतर जिहड़ा है वो घटता जाएगा। अक्षांश रेखावां की गिनती सानूं पता ही है, भूमध रेखा तों लैके उत्तरी ध्रुव तक साडे कोल 90 अक्षांश रेखावां ने, और इदां ही भूमध रेखा तों लैके दक्षिण ध्रुव तक 90 अक्षांश रेखावां ने। इन्हां दी जिहड़ी गिनती है वो है 180। अक्षांश रेखावां की गिनती 180 है, और जिहड़ी भूमध रेखा दे उपर जिहड़ियां अक्षांश रेखावां ने उन्हां नूं आपां उत्तर ही लवांगे, उत्तर उत्तरी अक्षांश। और भूमध रेखा जिहड़े थले अक्षांश होणगियां उन्हां लवांगे आपां दक्षिणी अक्षांश। दिशांतर रेखावां, दिशांतर रेखावां दी जिहड़ी गिनती है वो है 360। ये साडी मुख मध्यान रेखा है 0 डिग्री। मुख मध्यान रेखा हिंदी विच मुख प्रधान मध्यांतर रेखा 0 डिग्री है। इसे सज्जे पासे जिहड़ियां असीं दिशांतर रेखावां बनावांगे उन्हां दे नाल असीं पूरब जरूर लगावांगे, पूरब, और पश्चिम वाले पास खब्बे पास असीं पश्चिम लगावांगे क्योंकि पश्चिम दिशा है। 1 डिग्री तो लैके 179 डिग्री तक पूरब बोलांगे, 1 डिग्री तो लैके 179 डिग्री तक पश्चिम बोलांगे, पर 180 डिग्री नूं अते 0 डिग्री नूं ना पूरब बोलांगे ना ही पश्चिम बोलांगे, क्योंकि जिहड़ी 0 डिग्री है, जिहड़ी 0 डिग्री प्रधान मध्यांतर रेखा है वो ग्रीन विचों निकलती है, और इस दे अनुसार ही दुनिया का समा मापे जाता है। यह असीं अगली वीडियो विच दसांगे। 0 डिग्री के जिहड़े एकदम पिछे अगर गोलाकार पूरा बना दीए तो 180 डिग्री बन जाती है। इस करके 0 डिग्री दिशांतर और 180 डिग्री दिशांतर के नाल असीं ना पूर्व लगाते हैं अते ना ही पश्चिम लगाते हैं। ये तुहाडे 5 अंतर हो गए हैं, और आखिरी विच तुसीं अंतर दे सकदे हो। उदाहरण शिवा पॉइंट थोड़ा गया, उदाहरण एग्जाम्पल
Bu madrigal. यहाँ जिनके पास जीरो डिग्री है कर्क रेखा मकर रेखा आर्कटिक गोला एंटार्कटिक गोला उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये सारिया उदाहरण ने अक्षांश रेखा मान लिया दिशांतर रेखा मान लिया उदाहरण है वो तुम्हारी प्रधान मध्यांतर रेखा या जितने जीरो डिग्री दिशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी आखते हैं तो विद्यार्थियों में उम्मीद करना था तो दोनों ही अक्षांश और दिशांतर रेखा हमारे पता लग गया होगा और पेपर में जो सवाल आता है इसको हम इस तरह बना के करना है एक पास अक्षांश रेखा लिखनी है दूसरे पास दिशांतर रेखा लिखनी है पहला उसका पॉइंट लिखना है फिर उसका डायग्राम बनाना है उस दिन जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा उम्मीद करता हाँ तो टॉपिक अच्छा लगा होगा जल्दी जल्दी हूँ दो सवाल देखते हैं आपको किन्ने का ज्ञान होया है पहला सवाल यह है केड़ी दिशांतर रेखा सब तो वड्डी है दूसरा सवाल अक्षांश रेखावां दी गिनती किन्नी है उम्मीद करता हाँ तुहानू वीडियो चंगी लगी होगी इसलिए लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो सत श्री अकाल धन्यवाद शाबाश